नमस्कार, आप सबका स्वागत है क्राइम बेस्ड टीवी रियलिटी शो इंडियाज मोस्ट वांटेड से मशहूर हुए एंकर सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसे 16 दिसंबर को दिल्ली की करकरडूमा कोर्ट ने दोषी करार दिया गया था। बता दें कि 11 जनवरी 2000 को सुहैब के घर पर अंजू की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। मर्डर करने के लिए कैंची का इस्तेमाल किया गया था। बाद में आरोप सुहैब पर ही लगा और उसे 28 मार्च 2000 को गिरफ्तार कर लिया गया था। एडिशनल सेशन जज एस के मल्होत्रा ने इलियासी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने उसे अंजू के पेरेंट्स को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऑर्डर दिया है। सुहैब का दावा था कि अंजू ने सुसाइड किया था। मेडिकल रिपोर्ट और अंजू के पेरेंट्स के दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोपों से सुहैब के दावे पर भरोसा किया गया। बाद में अंजू की बहन रश्मि कनाडा से लौटी तो उसके बयान से यह केस पलट गया। अंजू ने रश्मि को सुहैब की हरकतों के बारे में बताया था। रश्मि ने पुलिस को अंजू की एक डायरी भी पुलिस को सौंपी थी। इसके बाद शक की सुई पूरी तरह सुहैब पर घूम गई। सुहैब को पहले पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कहा जा रहा था कि उसने इसी वजह से खुदकुशी की। हालांकि 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अंजू की मां और बहन की पिटीशन पर ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर दिया कि इसे हत्या के मामले के तौर पर भी देखे। इस मामले की जांच में पाया गया कि सुहैब और अंजू के बीच दहेज को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। पत्नी की हत्या के बाद सुहैब ने अंजू की फ्रेंड को फोन करके बताया था कि उसने सुसाइड कर लिया है। बाद में अंजू के परिवार वालों ने सुहैब पर ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया था। सुहैब का जन्म 15 नवंबर 1966 को दिल्ली में हुआ। उसके पिता जमील इलियासी ऑयल इंडिया इमाम संगठन के प्रमुख और केंद्रीय दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मस्जिद के इमाम थे। सुहैब ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म की पढ़ाई की। यहीं उसकी मुलाकात अंजू से हुई। बाद में दोनों ने लव मैरिज कर ली थी। पढ़ाई के बाद सुहैब और अंजू लंदन चले गए। वहां उसने टीवी एशिया में काम किया। वो इस चैनल का प्रोग्राम प्रोड्यूसर रहा। 1996 में सुहैब भारत आया और एक क्राइम बेस्ड रियलिटी शो पर उसने काम शुरू किया। यह तैयार हुआ तो इसे नाम दिया गया इंडियाज मोस्ट वांटेड। बहुत जल्द यह देश का सबसे पॉपुलर टीवी प्रोग्राम बन गया। इंडियाज मोस्ट वांटेड शो भगौड़े अपराधियों पर बेस्ड था। इसके एपिसोड रिसर्च के साथ तैयार किए जाते थे। इसमें इतने पुख्ता सबूत जुटाए जाते थे कि ये पुलिस के लिए भी मददगार साबित होते थे। शुरू में सिर्फ 30 अपराधियों पर इस शो के 52 एपिसोड तैयार किए गए थे, लेकिन यह इतना पॉपुलर हुआ कि इसे आगे बढ़ा दिया गया था। सुहैब ने 498 इनाम से फिल्म भी बनाई थी। यह दहेज प्रताड़ना पर ही बनी फिल्म थी। यह 2012 में रिलीज हुई थी। अंजू की मौत के बाद सुहैब ने साहिबजादी सौम्या खान से शादी कर ली थी। उनकी एक बेटी है जिसका नाम आलिया है।